हम लोग तो धक्का मारते रहते हैं, आप ही मार रहे हैं। आराम से आओ, आराम से सब। एक मिनट रुको यार, सब सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, आराम से। यार मुंह से नहीं लगा दो यार, सर्कल बनाओ ना भैया। भाई साहब 10 माइक ऊपर लगा रहे हैं, 10 तो सारे लोग हैं। अजी आज क्या मसला हुआ सर? देखिए, जो बीती रात देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिस ढंग से उनको सीबीआई और ईडी की एजेंसियों ने उनके घर पे दंबिश देके जो है उनको गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है। हर नेता को तबाह करने के लिए उसके पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां डाली जा रही हैं। और हमारे पूर्व वित्त मंत्री वो कहीं भागने वाले नहीं है। वो जो है केस में आईएनएक्स केस जो है मीडिया घराने का, उसमें उन्होंने हमेशा कॉपरेट किया है। पिछले 15-16 महीने से उनको जितनी बार भी एजेंसियों ने बुलाया उतनी बार वो गए हैं। उनका एफआईआर में नाम नहीं था, अभी कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उनको जो है बदले की भावना से जो है रात के अंधेरे में ड्रामेटाइज करके एजेंसियों को उनके घर फांद के जिस ढंग से गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और जिस ढंग से देश के में जो व्यवस्था खराब की जा रही है, हर व्यक्ति के पीछे, हर नेता के पीछे, हर पार्टी के नेता के पीछे, और कांग्रेस की लीडरशिप को नष्ट करने के लिए ये जो मोदी सरकार ने, मोदी और अमित शाह जिस ढंग से जो है ये काम कर रहे हैं, उसके चलते आज हमने सदन में ये मसला उठाया है कि ये तौर तरीके जो है हिंदुस्तान के लिए जो है सही नहीं है। और आजादी के 70 साल बाद देश में ऐसा माहौल बनाया जाएगा, अराजकता पैदा कर दी जाएगी, गुंडागर्दी का माहौल कर दिया जाएगा। सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है ये, कि एक इतने सज्जन और इतने बड़े नेता के खिलाफ जो है आप कार्रवाई करें। आप जो है उनकी शुक्रवार को जो है बेल एप्लीकेशन लगी है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती तो आप जो है उनको हिरासत में ले लेते, और वो कहीं भी देश भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सरकार के मंसूबे जो हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के हैं। इसलिए आज हमने हाउस में भी ये मसला उठाया, और जो है कांग्रेस विधायक दल इसकी निंदा करता है, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलित रहेगी, और देश में ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो है हमेशा खड़ी रहेगी। ये थे मुकेश अग्निहोत्री जी।